सोलन के उपायुक्त सभागार में नशा निवारण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कलगीधर ट्रस्ट बड्डू साहिब के अकाल सर्विसेज एंड डी एडिक्शन सेंटर के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत। कार्यशाला में प्रतिभागियों को नशा व इससे होने वाले दुष्प्रभावों बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि नशा 3 प्रकार का होता है और किसी भी रूप में इसका सेवन करना हानिकारक है। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश की युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में जल्दी आ रही है, जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। असी ये ड्रग अवेयरनेस और एजुकेशन दी अज वर्कशॉप इत्थे सोलन लगाई है। मेनली 3 चीज़ा ने, एक तो एल्कोहलिज्म है, एक हैगी है ड्रग्स जिदे विच सिंथेटिक ड्रग्स ओपीएट्स आंदे ने, और एक टबैको है, और तिन्ने ही किन्निया नुकसान दे ने ये असी अज डिस्कस कीता। और साड़ा मेन मोटिव ये है कि यूथ नू अवेयर करिए और यूथ किस तरह असी बचा सकीए इस इन्हां नू दस के और ये की हैजर्ड्स ने किस तरह असी करना। कलगीधर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में सोलन के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्कूल के छात्रों व प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्सों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन।